देख रहा हूँ तुमने जो मुझे भेजा है ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक्स भेजे थे। यस सर। इसमें से कौन कौन टॉपिक करा चुकी हो? सर कुछ टॉपिक ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग हो चुका है। हाँ। और एक टॉपिक सोशल मीडिया ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग। यस सर। उसमें अच्छा। था नहीं, आपने बोला था कि वो टॉपिक्स थोड़े से रेक्टिफाई। गूगल वर्सेस लाइब्रेरी भी बोले होंगे। यस सर, वो सब आपने बताया था तो वो मैंने शेड्यूल में डाल दिया। बट सिंस ब्रिज 3 की उनकी क्लासेस अभी तुरंत शुरू हुई है और ब्रिज 1 और 2 में ऑलरेडी 2-3 GD हो चुका है। एक GD तो आपने जो कहा था ऑनलाइन ऑफलाइन उससे करवाया, फिर एक GD करवाया इस सोशल मीडिया मेकिंग अस लेस सोशल, और एक GD हुआ है सर दैट वेदर एग्जाम पैटर्न शुड बी चेंज्ड और नॉट, और तीसरा चौथा GD का टॉपिक अभी दिए हैं इन लोग को। एक टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट करके बच्चों ने, जो तुमने एक कॉमिक्स का वीडियो डाला है क्या डायोड का? ये सर वो तो बस एक ही वीडियो है सर, बाकी स्पीच का है और अभी GD के डालें जब बच्चों को अच्छे से। माय लाइफ आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ। यस सर। इस पर बच्चों का स्पीच हुआ है। यस सर। इसके तुमने बहुत सारे स्पीच भेज दिए मेरे को। सर वो बच्चे ही बोल रहे थे कि मैम बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज आप। हाँ। सही बात है, बच्चों के नाम पे आप कुछ भी बोल सकती हैं हमको। नहीं सर। और फिर एक GD का भेजा है। GD का तो सर अभी करवाना शुरू किया क्योंकि पहले वो बच्चे थोड़ा सा ठीक से कर नहीं रहे थे। GD में जो बच्चे बोलते हैं टीचर्स उन्हीं पे फोकस करते हैं, जबकि जो नहीं बोलते हैं उनको GD में पार्टिसिपेट करवाने का, उनको लाने का कुछ होना चाहिए। सर आई पिक अप रैंडमली, मैं पहले अटेंडेंस लेती हूँ क्लास में। हाँ। फिर मैं रैंडमली कोई भी नंबर बोलती हूँ, वो बच्चा अगर ऑब्वियसली प्रेजेंट है अटेंडेंस ले लिया तो। हाँ। और उसको आपको बोलना है, अगर नहीं बोलेगा तो उसका मार्क्स हम 0 चढ़ाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे डंडा चलाने से काम नहीं होगा। नहीं नहीं, उसको टॉपिक दिया हुआ है ऑलरेडी, पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो डाउट है वो समझाया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ सिस्टम बड़ा सिंपल। एक तो कमजोर कमजोर बच्चे जो है कि जो जल्दी मुंह नहीं खोलते हैं, जो बचना चाहते हैं, जो हमेशा क्लास में आगे नहीं आते हैं, उन बच्चों को खड़ा करिए, सामने लाइए, बोलने को दीजिए, या जहाँ खड़े जहाँ जिस बेंच पे वहीं से बोलने के लिए बोलिए। लेकिन वो अगर नहीं बोल पा रहे तो बोल रहे कि मैम हम नहीं बोल पा रहे। नहीं सर, फिर उनको देखने के लिए बोलते हैं। उनको हिंदी में बोलना अलाउ करिए। अलाउ देम टू स्पीक इन हिंदी, एंड व्हेन दे आर स्पीकिंग इन हिंदी जस्ट आफ्टर द वेरी फर्स्ट सेंटेंस आस्क देम टू रिपीट द सेम सेंटेंस इन इंग्लिश। समटाइम्स आई डू दैट। दे विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, देन सेकंड सेंटेंस इन हिंदी, देन सेम थिंग इन इंग्लिश। स्लोली एंड स्लोली दे विल रियलाइज दैट इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। बिल्कुल सर, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि दिमाग में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, एक बार करने दीजिए ना, एक बार तुरंत से ट्रांसलेशन से आप रीड नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट इमीडिएटली गेट रीड ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस, वो रहेगा भी। बहुत प्रैक्टिस चाहिए फॉर दैट यू आर एबल टू कंपोज योर गेट योर प्राइमरी आइडियाज इन इंग्लिश। फॉर दैट यू हैव लॉट ऑफ प्रैक्टिस। सो एज ऑफ नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देम रियलाइज और मेक देम फील कॉन्फिडेंट दैट एटलीस्ट दे कैन स्पीक, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट थिंग। First, they think that they don't have ideas. Rather, give them ideas in case if they don't have ideas, also provide them the ideas. बिल्कुल सर, क्लास में पहले पूरा discussion first day topic के ऊपर होता है। तुम बताओ तुम्हारा क्या idea है? When you do discussion, yes sir, try to do the discussion in English only. हाँ नहीं, वो तो होता है sir. Elaborate the topic in English only, and then make the student, because once they have listened on it, it is easier for them to speak on it. Sure. You getting my point? Yes sir. What is the development with regards to the digital club? You are the mentor? Yes, sir. Sir, digital club में अभी तो थोड़ा loud बोलिए मुझे कम। Sir, digital club में अभी embedded system का मैंने start किया है, तो 10 days का मेरा schedule है for basics in BSCIT 3rd year. उसके बाद जो भी junior students थे उनको अभी कुछ मैंने work allot नहीं किया, उनको तो पहले यही बोला था last time meeting में हमने बात की थी, वो one-on-one जो interaction था teacher to peer interaction जो था उस पर ही मैंने project बनाने बोला है कि आप लोग PPT बनाइए, हम मैं भी जाके सारे क्लासेस में उसमें दूंगी PPT कि हमने क्या। आज हम लोग मीटिंग में बात करेंगे, IoT का वर्कशॉप का हमको डेट चाहिए। ठीक सर। ठीक है। यस सर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वर्कशॉप का हमको डेट चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में भी कोई वर्कशॉप अगर करना हो, इतना सारा सामान मंगाया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो पूरा एक बहुत इलैबोरेटिव लैब हो गया है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम होना चाहिए। सर एक मेरे को बात करनी थी सर, अगर लैब में हमें करवाना है तो 1 hour इज नॉट इनफ, वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 hours, क्योंकि 1 hour बच्चों को कोड समझाने में लग जाता है। अभी स्टार्टिंग बेस पे ही बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। अमित सर को बोलो कि तुमको ज्यादा टाइम का दिलवाए। यही सर। रोज तो चाहिए नहीं लैब। नहीं नहीं, बस जिस दिन चाहिए उस दिन ज्यादा दिन ले लो, वीक में एक दिन। हाँ। वीक में बाकी 2 दिन जब अल्टरनेट क्लासेस होंगी, 2 दिन हम लोग थ्योरी पढ़ लेंगे, तीसरे दिन लैब करेंगे 2 hours का,
दैट विल बी देखो एक तो डिवाइसेस बहुत छोटे छोटे माइक्रो डिवाइसेस भी हैं यस सर तो इसलिए तुम लोग कुछ बॉक्सेस मंगवाओ सबका और हर बॉक्स पे काउंट लिखा रहना चाहिए स्टिकर लगा करके कि ये डिवाइस इसके अंदर है हर प्लास्टिक का जो बॉक्स होगा और उसके अंदर काउंट लिखा रहेगा इतना पीस है सर जिप पैक मंगा लो जिप पैक मंगा लो कुछ ये सब तुम हैंडल करो बेटा यस सर ठीक है जो जिप पाउच मंगाओ और जितना पीस दोगे उतना पीस तुरंत से वापस लेगा उस पे वो रहेगा पूरा है हाँ बिल्कुल सर सारे सिस्टम पे परमानेंट मार्कर से नंबरिंग की जाएगी हाँ, और उनका एक एक बैच बनाया जाएगा हाँ, वो हम लोग डिस्कस किए हैं तो हम अभी नंबरिंग ही हो रही है सर वो पूरा रजिस्टर में डाला हाँ, जा रहा है कि इतना इतना सिस्टम में ये है उसका पूरा आईडी वगैरह डाला जा रहा है एंड वंस इट इज डन फिर नंबरिंग करके हम लोग बैचेस बनाएंगे दो घंटा कर लो कोई इशू नहीं है अमित सर से बात कर लो मेगा मैम से बात कर लो तुम लोग आपस में रूटीन में उसमें चेंजेस ले आओ ठीक है मान लो कि एक घंटा में सामान डिस्ट्रीब्यूट हुआ फिर सामान रिटर्न हुआ उसी में समय लग जाएगा बिल्कुल बिल्कुल हाँ फिर कोड समझाने में बच्चों को कभी कभी डाउट आते हैं वो सब क्लियर नहीं हो पाता है वन आवर में कि रन भी कर ले जो डाउट है उसको नहीं नहीं दो घंटा कर लो हमको कोई इशू नहीं है मेरे को अल्टीमेट रिजल्ट से मतलब है तुम लोग इस सब मामले में फ्री रहो बिल्कुल ठीक है एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से सर तुम्हारा एक्टिविटीज और होना चाहिए था इंग्लिश का ये जो तुमने एक टॉपिक का दिया वो एक सैंपल था तुमने उसी टॉपिक का खूब सारा दिया इसका मतलब और बहुत सारे टॉपिक नहीं हुए क्या नहीं सर हुए हैं बट बच्चे अभी कॉन्फिडेंट नहीं हैं उनको मैं बार बार बोल रही हूँ कि बोलना है उनसे उनको बोलो घर पे वीडियो बना करके पोस्ट करने के लिए ग्रुप में बिल्कुल ठीक सर अकेले में कॉन्फिडेंस डेवलप करवाओ उनको बोलो कि बोलते हुए अपना मिरर प्रैक्टिस का वीडियो भेजें बहुत सारे स्टूडेंट है सर सांस फूल जाता है आते के साथ उनका स्टेज पर जब भी बोलना शुरू करते हैं घर पे बोलना शुरू करवाओ रीडिंग करवाओ हाँ बिल्कुल वो तो लिख के लाएंगे उसको रीड करके बोलेंगे फिर वो अपने मन से बोलेंगे प्रेजेंट करेंगे हाँ धीरे धीरे मतलब डेवलप होगा एक बार में डेवलप नहीं होगा सर अभी ब्रिज वन और ब्रिज टू में तो काफी ग्रोथ हुआ है ब्रिज थ्री के बच्चे मुझे ठीक लग रहे हैं जीडी जब पहले बार करवाया उसने ठीक ही था रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं था ब्रिज फोर का अभी जस्ट क्लास लगा है तो एक ही दिन क्लास लिया मैंने अभी तो ब्रिज थ्री और ब्रिज फोर तो एक साथ ही शुरू हुआ था तुम्हारा क्लास लेट से लगा है क्या हाँ सर मेरा क्लास पहले नहीं था क्योंकि रूटीन में था नहीं अभी रूटीन जब दोबारा चेंज हुआ 2 तारीख को उसमें लगाया गया तो एक क्लास अभी लिए हैं अभी तो बेसिक स्टार्ट किए हैं सारा बैच एक सा है ये सर सब बच्चे एक से हैं जितना प्रैक्टिस कराओगे जितना रगड़ोगे और घर पे भी काम करवाओ यही अभी समय है अभी इन लोग का सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम से उधार हो जाएगा पॉसिबल नहीं है नहीं होगा सर ठीक है ओके